पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बीच पंजाब का जो ताज़ा हाल है वो यही बताता है कि दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हालांकि अगर बात करें, हाल ही में बीजेपी ने भी अपने 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये देखा जा रहा है कि बीजेपी भी पंजाब चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है। लेकिन पंजाब की जनता से जब पूछा गया कि आखिरकार पंजाब में किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है, किसको जो है फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, तो 70% जनता का ये कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी हाँ, पंजाब में एक बार फिर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनता हुआ लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के काम से वो खुश हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि पंजाब में किसे कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही है। तो वहीं अगर बात करें, पंजाब में कांग्रेस को 44 से 37, बीजेपी प्लस कैप्टन को 0 से 3 और अकाली को 10 से 13 और आपको 40 से 50 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यानी कि देखा जाए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो अच्छा काम कर ही रही है, पंजाब में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं ये बताता है कि वाकई पंजाब में कांग्रेस शानदार तरीके से वापसी करने वाली है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।